ड्रग्स केस मामले में देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। माय मराठीची क्षमा मागू। आजची पत्रकार परिषद मातृभाषेच्या ऐवजी सुरुवातीला राष्ट्रभाषेमध्ये आपण करणार आहोत। मैंने ये घोषणा की थी कि कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा, थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दिन पहले बुक्ड थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं दो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे, पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आरआर पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि गुनेगार के साथ उनकी फोटो चली। आरआर पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पारकर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई
और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना परकर या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था, इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पारकर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात, अब इनका संबंध क्या है। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है, गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में, एलबीएस रोड पर, जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइज्ड एरिया है। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं, मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है, ये हुआ है मरियम बाई विडो ऑफ गोवा वाला मुंदिरा प्लंबर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है, दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाहवली खान, यानी सलीम पटेल और शाहवली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे, उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से, रेडी रेकनर रेट 8,550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड, कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में,
30 लाख और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे तो नहीं आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिला आहे का पीडीएफ वर दिला आहे, नसेल मिळाली तर मी होऊन जाईल पीडीएफ, पीडीएफ वर दिला आहे। 30 लाख नाउ दिस इंडेंचर विटनेस दैट इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ 30 लाख पेड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रेजेंट्स टू द ओनर एज पर फॉलोइंग पर्टिकुलर। रुपीज 15 लाख किसको मिले? पार्टी नंबर 1 और 2, लेकिन 1 और 2 को नहीं मिले, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए, सलीम पटेल के अकाउंट में, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है। और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह अली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीजें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है, इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है। और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है और सरदार शाहवली इनके 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाए। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी, 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल यह उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय, ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है।
तो क्या ये टाडा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपने टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई करों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े, और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है, और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है, 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है, तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए। आज अपने समोर थम आता मराठी उद्या आज अपने समोर एक महत्वाचा विषय मी मांडतोय। पहिल्यांदा 2 व्यक्तींची माहिती आपल्याला। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि वो लोग जो मुंबई को दहलाने वाले थे, वो लोग जो शामिल थे मुंबई को दहलाने में, वो लोग जो मुंबई के गुनहगार थे, उन लोगों से जमीन की खरीदारी हुई, नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता इसमें साफ साफ दिखता है। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर, बाकायदा उन्होंने कहा कि पेपर है मेरे पास, सबूत है तमाम, और एक एक नाम के साथ वो सामने आए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा मलिक की 4 संपत्तियों का अंडरवर्ल्ड से सीधा सीधा कनेक्शन है। नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए देवेंद्र फडणवीस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि मुंबई महानगर पालिका बिल्डिंग ची रेकी यांनी केली होती की तिथे बॉम्ब नेमका कुठे ठेवायचा, आणि टायगर मेमनच्या ज्या इमारतीमध्ये हे संपूर्ण कारस्थान शिजलं, त्या मीटिंगला ते स्वतः उपस्थित होते, आणि या बॉम्बस्फोटाची पूर्ण माहिती ही त्यांच्याजवळ होती। एवढंच नाही तर टायगर मेमनच्या अल हुसैनी बिल्डिंगमध्ये ज्या ठिकाणी गाळ्यांमध्ये आरडीएक्स भरण्यात आलं, त्या ठिकाणी आरडीएक्स भरणारे हे होते जे माफीचे साक्षीदार आहेत आणि जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत, या दोघांनी या संदर्भातली साक्ष दिल्यानंतर यांना जन्मठेप झाली आहे। दुसरे व्यक्ती मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल,
हे तेच व्यक्ती आहे की एकदा 2013-14 साल असेल ज्यावेळी माननीय आर आर पाटील साहेब हे एका इफ्तार पार्टीला गेले। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए नवाब मलिक पर। उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक का रिश्ता साफ तौर पर दिखता है, उसके पीछे उन्होंने कई सबूत भी दिए। मुंबई के गुनेगारों से जमीन की खरीदारी क्यों की, ये बड़ा सवाल किया देवेंद्र फडणवीस ने।